दोस्तों देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के देश में 19 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 मई तक कर दिया गया है। आगे भी लॉकडाउन पर क्या होगा अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब से देश में कोरोना आया है और लॉकडाउन लगा है तब से लगातार अलग अलग राज्यों में हर दिन आप लोगों ने नफरत की तस्वीर भी देखी होगी। कभी कोई सब्जी वाले को परेशान किया जाता है, कभी कोई दूध वाले को परेशान किया जाता है, कभी कोई ऐसे शख्स को परेशान किया जाता है जो दूसरे विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, उसके काम की वजह से उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस तरह की तस्वीरें आप दिन ब दिन देख रहे होंगे कि आती जा रही हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक मामला आगरा से सामने आ रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई जगह अगर कोई विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स सब्जी बेचने के लिए जाता है और अगर दूसरी कॉलोनी में जाने की कोशिश करता है तो उससे बाकायदा आईडी कार्ड मांगा जाता है। अगर आईडी कार्ड उन चेक करते हुए लोगों के धर्म से ताल्लुक रखती होगी या उनसे मिला तब तो ठीक है, वरना उसको वहां से निकाल दिया जाता है या फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरह से अलग अलग जगहों से आप लोगों ने देखा होगा कई घटनाएं सामने देखने को मिली हैं। लेकिन अब आगरा से भी एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस खबर पर मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या खबर है थोड़ा हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश को भाईचारे की एकता की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तबलीगी जमात का मामला सामने आया था, मीडिया में दिन रात डिबेट चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक सब्जी बेचने वाले के CV पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। खबर आ रही है कि ये जो सब्जी बेचने वाला शख्स था वो CV पॉजिटिव था, यानी कि संक्रमित था, कोरोना था उसके अंदर। लेकिन वो लगातार एक सोसाइटी में सब्जी बेचने जा रहा था, आसपास की बस्ती में इसे लेकर दहशत अब फैली हुई है। जो यानी कि एरिए का नाम है वो मैं आपको बताता हूं, आगरा के थाना हरी पर्वत के फ्रीजगंज क्षेत्र के चिमन लाल बाड़ा का मामला है ये। यहां पर बताया ये जा रहा है कि एक सब्जी वाला डेली सब्जी बेचने आता था और वो CV पॉजिटिव था और उसकी जांच अब पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एरिया में कहीं ना कहीं दहशत फैली हुई और लगभग 2000 लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है, क्योंकि वो 2000 लोग बताया ये जा रहा है कि उस सब्जी वाले के संपर्क में आए थे। शुक्रवार रात KGMU से आई 24 संक्रमितों की रिपोर्ट में यह सब्जी वाला भी शामिल है। इसके बाद यह क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया और इसको सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सब्जी विक्रेता के संपर्क में आए लोगों का पता लगा रही है। हरी पर्वत थाना के प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल ने बताया कि फ्रीगंज रोड एरिया में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, जब यह शख्स CV पॉजिटिव था या फिर उसको ऐसे लक्षण दिख रहे थे तो यह आखिरकार फिर सब्जी बेचने क्यों गया? क्योंकि गरीब रहते हैं लोग, अपने पेट पालने के लिए उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मीडिया इस पर खामोश क्यों है? अगर इस शख्स का ताल्लुक एक विशेष धर्म से होता या इसके सर पर टोपी अगर दिख जाती तो मीडिया के ना जाने कितने पत्रकारों के अभी तक ट्वीट सामने आ जाते, ना जाने कितने पत्रकारों की DTV डिबेट्स आ जाती, ना जाने कितने मीडिया चैनल्स में हाहाकार मचा होता। लेकिन अभी पूरी तरह से मीडिया चैनल्स में यानी कि ठंडा माहौल है पूरी तरह से। आप लोगों ने देखा होगा अगर जमाती प्रयागराज में मिल जाते हैं, बेशक उन्होंने जो भी किया होगा गलत किया होगा, हम उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई दूसरों के ऊपर भी होनी चाहिए। अगर ये सब्जी वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता होता तो आज ना जाने क्या हो जाता। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी अब नहीं बनती जो लगातार आई कार्ड चेक करके सब्जी वालों को अपनी सोसाइटी के अंदर घुसने दे रहे थे? उनको ये भी सोचना, एक मशीन ला करके रख लेनी चाहिए कि हम ये भी स्क्रीनिंग कर लें, लोगों को ये भी चेक कर लें कहीं कोई दूसरा आदमी इन्फेक्टेड तो नहीं है हमारे एरिया में घुस जाता है। ये हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताते हैं इसी तरह का एक और मामला जो है दिल्ली से सामने आ रहा है। दिल्ली के महरौली एरिया का मामला है ये। बताया ये जा रहा है कि महरौली में एक सब्जी बेचने वाले के CV पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय प्रशासन अब उनके संपर्क में आए सभी लोगों का जांच कर रहा है। वहीं एहतियातन मंडी के सभी सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। शायद पहले कर ली जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन कहते नहीं है कि
कि जब तक सब कुछ ठीक चलता है सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं, जब कुछ हो ही जाता है तब सरकारों की आंखें खुलती हैं। पूरे इलाके को अब सील कर दिया गया है। साउथ दिल्ली के जिलाधिकारी बीएम मिश्रा ने बताया कि जांच में पता चला है कि सीवी के लक्षण विकसित होने के बाद उसने अपनी दुकान में बैठना बंद कर दिया था। वह डीटीसी टर्मिनल में शिफ्ट किए गए मंडी में शामिल नहीं थे। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेता के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि जांच अभी नहीं आई, जांच आने के बाद पता चलेगा कि और कितने लोग सीवी पॉजिटिव हैं। ये दो मामले सामने आए हैं। मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर इस जगह पर कोई विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स होता तो ना जाने कितने पार्टियों के लोगों के ट्वीट आते, ना जाने कितने दूसरे लोगों में ट्रेंड चलाए जाते ट्विटर के ऊपर, लेकिन आज कोई खबर सामने नहीं आ रही। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। शायद हो सकता है कि सब्जी वाले गरीब होते हैं, बेचारों के पास अपने पेट पालने के लिए एक तो लॉकडाउन है, ऐसी सिचुएशन में एक दिन भी घर पर बैठेंगे तो क्या हालत होगी। इसी तरह के बहुत सारे गरीब मजदूर भाई हैं जो अमीर आकर के, अमीर लोग रहते हैं ना, टीवी में आते हैं, बताते हैं ऐसा करिए वैसा करिए, इनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है इसलिए ये भाषण दे रहे हैं। जो गरीब डेली कमाता है, डेली खाता है, आप सोचिए उसके घर में आज क्या हो रहा होगा। सरकारें तो टीवी डिबेट में आकर के या टीवी में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपना अनाउंसमेंट कर देती हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो सब कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग मजबूरी में भी अपना कारोबार करते हैं और जिसकी वजह से ये सीवी के संक्रमण होने के बावजूद भी मजबूरन उनको जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये मामले देखने को मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस मामले को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, लेकिन मामला काफी गंभीर है। अगर टोपी वाला शख्स होता तो आज ना जाने क्या हो जाता। खैर, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, यह खबर आ रही है एक युवक को लेकर के अहमदाबाद से। अहमदाबाद आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर माना जाता है और वहां से ही वो आते हैं, काफी दिनों तक, काफी सालों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। खबर आ रही है सीवी के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में इन दिनों 3 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स फंस गए हैं, वो अपने राज्य नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। झारखंड का रहने वाला मजदूर परवेज अंसारी अहमदाबाद में फंस गया था। बताया जाता है कि उसकी खैरियत के बारे में घर वालों को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल किया वो उन्हें देख दंग रह गए। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 19 साल के परवेज रविवार को सुबह बुखार और खांसी से तड़प रहे थे, तभी उन्होंने अपने घर रांची पर परिवार वालों को कॉल किया। परिवार के लोग उनकी हालत देखकर हैरान और परेशान रह गए। बताया ये जा रहा है कि जो शख्स बेचारा वहां पर फंसा हुआ था वो इतना कमजोर हो गया था कि वो पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा बन गया था। मैं उसकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता, तस्वीर रिलीज नहीं की गई है, भूख की वजह से वो अपने रूम में तड़प रहा था। आप सोचिए इस तरह से ना जाने कितने और लोगों का हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अलग अलग जगहों पर लोगों के पास मोबाइल में बैलेंस वगैरह भी नहीं है, और ये जिन कंपनियों ने ऐलान किया है ना कम इतने दिन तक फ्री कर दिए, इतने दिन तक फ्री कर दिए, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। आप देखते होंगे किसी के भी, कोई भी कंपनी का हो, बहुत ही कम लोगों के सिम्स वगैरह फ्री किए गए हैं, कॉल वगैरह फ्री की गई हैं, और ना मैक्सिमम लोगों की कॉल्स वगैरह फ्री नहीं की गई हैं। सिर्फ ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर तो ये झूठ के चक्कर में केस होना चाहिए। ये कहते हैं हमने फ्री कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों की संपत्ति गेन करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप समझ सकते हैं इस तरह से ना जाने कितने लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए के मजदूर भाई, जिनको ना तो पेट भर खाना मिल पा रहा होगा, ना बेचारों की कोई खैरियत लेने वाला है। और आप देख ही रहे होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाए हैं इस तरह के। तो ये सिचुएशन है हमारे देश की। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अहमदाबाद में जो ये शख्स फंसा हुआ था, आप देखिए अपनी सरकार से कहिए, गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, कि वहां पर ठीक से काम हो, और ऐसी बहुत सारे राज्यों की सरकार है, ऐसा नहीं गुजरात में ही ऐसा हो रहा है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली सरकार हो, हर जगह मजदूरों को लेकर के यही हाल है, ऐसी ही सिचुएशन चल रही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ,
भाईचारा बना कर रखे रखिए। अगर किस कोई भी सब्जी वाला आपके यहाँ आता है या कोई दूध वाला आता है, प्लीज़ उसको परेशान मत करिए। धर्म दे करके आप कोई चीज़ मत खरीदिए। आप सोचिए, हमारे देश को एकता और भाईचारे की ज़रूरत है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप हम ये करेंगे तो आप समझ सकते हैं देश का हाल क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर इस तरह की आपके पास भी कोई घटना मिलती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप अपना वीडियो जरूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।